बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है बाइसेप्स के ऊपर और ट्राइसेप्स के ऊपर, दो क्वेश्चन है मेरे। बाइसेप्स ट्राइसेप्स के ऊपर एक ब्रिजर है, ब्रिजर होता है। हाँ नीचे, ओके, उसके लिए है मेन। काफ़ी चेंज वैसे कोई ऐसा रूल नहीं कि इसको पहले करें बाद में, कोई रूल नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हो गए सर से मैंने क्वेश्चन किया था कि तो उनके जिम में इतना साउंड रहता है, इतनी ज़्यादा बड़ा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने जो टेस्ट ट्राई किया था बनाना और स्ट्रॉबेरी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये फ्लेवर है क्या, तो इसमें ब्लोटिंग का इशू नहीं हो सकता आपको। मेरे लिए जो बनाया है, देखो ये बैग बनाया मेरे लिए, इंडियन हल्क बादल। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग, मंथ एंड हो चुका है, मेरी पीसीटी भी खत्म हो चुकी है। आज है सेकंड, आज मैं आया हूं मुकेश सर के जिम में। पिछले एक महीने से मैं अपने जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, रीजन ये था कि थोड़ा सा काम पे भी फोकस कर रहा था और चीज़ें जो कुछ अस्त व्यस्त हो रही थी, जो लाइक 4-5 महीने से काम नहीं किया था अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो फोकस पूरा तैयारी के ऊपर रहता है, तो काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। आगे का क्या प्लान है, आज हो गई सारी चीज़ें डिस्कस। साथ में वर्कआउट करेंगे हम चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का। डिवाइन न्यूट्रिशन का जब से प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट किया है भाई, नींद गायब हो जाती है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बॉडी में मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्कआउट बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद अपना EAA एंड वर्कआउट शुरू। तो ड्यूरिंग वर्कआउट EAA, प्री वर्कआउट में जो है आपको प्री वर्कआउट ड्रिंक लेनी है, और पोस्ट वर्कआउट में आपको आइकन आइसोलेट, डिवाइन न्यूट्रिशन का आइकन आइसोलेट। नीचे डिस्कशन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। मेरा कोड यूज़ करना मत भूलो, DN बादल मेरा कोड है, वो यूज़ करो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। ठीक है सर, में ये देखो अब मारने का मजा ही कुछ और आएगा। यस, सर एक बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है, बाइसेप्स के ऊपर और ट्राइसेप्स के ऊपर, दो क्वेश्चन है मेरे। नेसेसरी होता है कि हैमर कल बाद में करें या पहले करें? तो क्या मेरे को ऐसा फील हुआ है पर्सनली कि हैमर कल हम जब लास्ट में करते हैं तो हमारे जो बाइसेप्स है स्टिफनेस खत्म हो जाती है, और लॉन्ग हट के लिए होता है ना वो हैमर कल। बाइसेप्स एक ब्रिजर है, ब्रिजर होता है। हाँ नीचे, ओके, उसके लिए है मेन। तो हैमर कल यानी सेपरेशन को बढ़ाता है बाइसेप्स प्रेशर को, तो फिर था ठीक है। हाँ तो ये नेसेसरी है कि उसको लास्ट में करना चाहिए? देखो ये क्या बेनिफिट है उसका, सौ आदमी को आपने जो काम दिया है 95 ने एक तरीके से दिया और 5 ने एक तरीके से, तो हमें मास्क के साथ जाना है। ज़्यादा रिसर्च स्टडी है कि ज़्यादा लोगों ने इसको ऐसे यूज़ किया और वो अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा। मुझे भी 5 उनको भी ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन फिर मास्क के साथ ही जाएंगे ना। मेरा भी बाइसेप्स भी काफ़ी चेंज हुआ है। कोई ऐसा रूल नहीं कि इसको पहले करें बाद में, कोई रूल नहीं है। जिसको जब सूट करता है एक्सरसाइज, कोई रूल ऐसा रूल नहीं। आप जहाँ सूट करते हो आपको एक्सरसाइज वहाँ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी कई बार हैमर कल शुरू में दे देता हूँ बच्चों को जिनका बाइसेप्स ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा चेंज के लिए साइकोलॉजी। हाँ तो कोई ऐसा इशू वो नहीं है कि ये ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन, ट्राइसेप्स को जैसे ट्राइसेप्स को लॉक करते हैं, तो मैंने जो सीखा है पहले आज इतने सालों में कि अगर हम जॉइंट्स को लॉक करते हैं तो उससे जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है। लाइक जैसे आपने एक बार एक एक्सरसाइज बताई थी कि लेट के जो आप कर रहे थे ना एक्सरसाइज ग्राउंड से, आपने बोला इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, ये जॉइंट्स के ऊपर आता है, अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो आप इसको करोगे तो तरीके से वो आपके एल्बो जॉइंट
अगर प्रॉब्लम करती है, अभी नहीं करेगी, पाँच साल बाद नहीं करेगी, लेकिन मैक्सिमम केस में वो प्रॉब्लम करते हैं, जैसे हम पुलिस डाउन मारते हैं उसमें पैसे लॉस इसलिए करना क्योंकि आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा डॉक्टर को, और बड़ी बात भी मिल जाएगा आपको चेस्ट में बिना लॉक किए भी आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बोले तो हम पूरा लॉक नहीं करेंगे ना, वो वीक कॉन्ट्रैक्ट में आज एक नहीं होगा आपका, जिससे आपका क्रॉस लाइसेंस आते हैं ना ये प्राइवेट जो देते हैं वो वीक कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा, जैसे लेग एक्सटेंशन है हम थाई में नहीं को लॉक नहीं करते में ना लेग प्रेस में, बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसमें वीक कॉन्ट्रैक्शन करने की, इसमें लॉक करते लेग एक्सटेंशन, तो कुछ एक्सरसाइज एक्सेप्शन भी होती है, एक रूल सब जगह अप्लाई नहीं होता, तो ये इसे जॉइंट्स में इफेक्ट आएगा, कोई जॉइंट में इफेक्ट नहीं आता अगर हम साथ में कैल्शियम वगैरह लेते रहे उनको समय तो कैल्शियम नहीं, वो कैल्शियम को लॉक करके करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चेस्ट को लॉक करके करोगे तो भाई क्योंकि चेस्ट को लोड ज़्यादा है, अच्छा हाँ, और कोई जरूरत भी नहीं है, ओके, तो बेंच प्रेस मारते हैं चेस्ट पे, आपने लॉक कर दिया ट्राइसेप को, हाँ, तो आपका लोड यहाँ से हट जाएगा, ट्राइसेप से चला जॉइंट्स पे आ जाए लोड, ओके, चेस्ट मसल ने छोड़ दिया लोड, आपने ये लॉक कर दिया वो नुकसान रहेगा, तो अब अगर ये बेंड रहेगा तो पूरा लोड यहीं पे आ जाए, जैसे स्क्वाट में अब स्क्वाट में नी को बिल्कुल लॉक कर दो तो आपके थाई से लोड हट जाएगा, बिल्कुल, अगर ऐसा बेंड रखेंगे तो पूरा लोड थाई पे रहेगा, थाई पे रहेगा, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, ये सर हमारे पास आए हैं अभी स्ट्रॉन्ग जिम, स्ट्रॉन्ग जिम एक्सेसरीज, तो आप अपना इंट्रोड्यूस मुझे थोड़ा सा करिए, और मैंने जहाँ तक अभी इनका मैं बात कर रहा था, मैंने इनका एक प्रोटीन पिया है, तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज था कि प्रोटीन है क्या एक्चुअली, ब्लैक बीस्ट, ये ब्लैक बीस्ट इम्पोर्टेड कंपनी है इनकी, जो फ्रेंचाइजी जिनकी इनके पास है, अभी मैंने जो टेस्ट ट्राई किया था बनाना और स्ट्रॉबेरी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये फ्लेवर है क्या, मैंने बहुत सारे फ्लेवर ट्राई किए बट ये टेस्ट कुछ अलग है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दावा कर रहे हैं कि इससे ब्लोटिंग नहीं होती है, इनका कंसंट्रेट ले लो चाहे इनका हाइड्रोलाइज ले लो चाहे इनका आइसोलेट ले लो कोई सा भी ले लो, ये हाइड्रोलाइज और इसका आइसोलेट का मिक्स है, तो इसमें ब्लोटिंग का इशू नहीं हो सकता आपको, ये ऐसा बोल रहे हैं, बाकी कल का जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि उसमें ब्लोटिंग आई या नहीं आई। ये प्री वर्कआउट प्रोटीन है, ड्रिंक, प्रोटीन ड्रिंक है, तो इसके बारे में ये ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनको ज्यादा पता है, आप मुझे बताइए इसमें ऐसा क्या है। बेसिकली ये 90% आइसोलेट वे प्रोटीन है, जो मतलब इंडिया में मेरे हिसाब से 90% को देता नहीं है, 80-82% लास्ट है, ये 90% प्योर आइसोलेट प्रोटीन है जिसके अंदर आपको CLA, L-carnitine और पर स्कूप 2 mg यूहाम्बिन मिलेगा, जिसकी कॉस्ट 7 लाख रुपए किलो है, मतलब फैट बर्निंग में उससे कामयाब आज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया वर्ल्ड में, तो वो है इस प्रोटीन के अंदर, और आप फील करोगे, मैं दावा ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बोलने से, सर यूज करने के बाद मेरे को बताएंगे कि इसमें क्या फील हुआ। यूहाम्बिन के बारे में आप गूगल कर सकते हो कि क्या चीज है, आप फैट बर्नर अलग से ले रहे हो, प्रोटीन अलग से ले रहे हो, प्री वर्कआउट अलग से ले रहे हो, अगर आपको सब चीज एक ही में मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। सबसे अच्छी चीज इन्होंने मेरे लिए जो बनाया है, देखो ये बैग बनाया मेरे लिए, इंडियन हल्क बादल, ये बैग बनाया, बहुत जबरदस्त बैग बनाया, इसमें बहुत अच्छा क्लॉथ यूज किया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा क्लॉथ ये यूज करेंगे, और साथ में इन्होंने बहुत कुछ दिया अपनी तरफ से, ये मुझे गिफ्ट के है, ये अपने डेडलिफ्ट के लिए सीपर दिया है, बहुत सारी चीजें प्रोटीन से भर के ला रखे हैं भाई, ये बहुत कुछ है इसमें अंदर, एक सीपर और दिया है, ये किसी गरीब भाई के लिए हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे दी है, ये बैग भी बनाते हैं, इनका बहुत अच्छा काम है, बैग भी बनाते हैं, संग्राम भाई के लिए भी इन्होंने बनाया है, अभी कुलदीप भाई साहब हैं जो उनके लिए भी इन्होंने बनाया है, बहुत सारे एथलीट के लिए बनाते हैं, बल्क में ऑर्डर करते हैं, और बहुत ही अच्छा इनका है, अगर किसी को जिम के लिए टी शर्ट बैग वगैरह कोई भी ऐसा कुछ भी बनाना है, नंबर डाल दूंगा, आप इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते। तो गाइज वीडियो को यही खत्म करेंगे, कल आएंगे नए ब्लॉग के साथ, जाएंगे कल एक्सरसाइज करेंगे बैक बाइसेप्स की, मिलेंगे कल मुकेश सर के जिम में दोबारा से, देखते हैं कल उनसे पूछेंगे कुछ नई टिप्स, नई चीज़ों के साथ आएंगे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।